को लोगों ने क्लीन करके ढेर लगा दिए, सुबह से लोग साफ कर रहे हैं। यहाँ से पता लगता है कितनी थिक पड़ी है यहाँ से, अभी आज तो हटाने में बहुत टाइम लगेगा। इतनी स्नो पड़ी है रात को, ओ माय गॉड। तो गाइस इतना मैंने पौड़ियों की हटा दी है, अब थोड़ा सा यहाँ से लेके हल्का हल्का बीच से रास्ता निकालूंगा ताकि आने जाने के लिए साफ हो जाएगा। आई थिंक ये तो आधे फुट से लेके एक फुट तक भी पड़ी है कई जगह, काफी फास्ट पड़ रही थी रात को। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है वैंकूवर में कभी इतनी स्नो नहीं पड़ी, आई थिंक समथिंग डिफरेंट, आई डोंट नो। गाड़ी के नीचे भी धीरे धीरे पड़ी हुई है, देखो। तो आज ट्राई करते हैं कि गाड़ी निकलती है कि निकलती है। बस यहाँ से निकल गई ना, ये जो मेरा पार्किंग एरिया है वो थोड़ा स्ट्रीट से होके मेन रोड में जो है इतनी स्नो नहीं है, बहुत ज़्यादा गिरी है ना अभी तो, मैंने साफ कर दी इतनी इतनी थोड़ी सी। एक डेढ़ फुट है कई जगह ना। तो यहाँ से देखो कितनी, यहाँ से पता लग रहा है, देखो ये देख, आधा फुट है ना गाड़ी, आधा यहाँ से तो फिसल जाती है। ओह नो, आधा फुट नहीं है, एक फुट है। कितनी, एक फुट है? हाँ जी, इतनी ज्यादा पड़ गई। हाँ जी, ओह माय गॉड, सो हैवी। अगर ये सारे बिल्कुल ही जम जाएगी जब, फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर तो ये निकल नहीं, यहाँ से गाड़ी कैसे चलेगी, आई डोंट नो। आधे टायर इसमें है, अभी अगर अभी अभी ना की तो सूख जाएगी, और स्नो अभी तो रूई की तरह है, जैसे चीनी का बूरा नहीं होता। पहले कभी बड़ी होगी थी स्नो बैंक होगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे 12 साल हो गए, मैंने इतनी स्नो नहीं देखी। जिस साल मैं आई थी उस साल पड़ी थी, 2009 में पड़ी थी। आईमैक्स का कुछ पता नहीं होता, हमें डाउट था कि गर्मी इतनी पड़ी है तो ठंड भी उतनी ही पड़ेगी। गुड जॉब जीतू, काम करो काम। अभी थोड़ा सा रास्ता वगैरह साफ हो गया, तूने भी हेल्प कर दी दोबारा क्लीनिंग करने में। थोड़ा तो जाके फुट के करीब स्नो पड़ी हुई है यहाँ पर। थोड़ा सा बैक स्ट्रीट जो होती है घरों की, बैक साइड में छोटी स्ट्रीट होती है, वो भी थोड़ी थोड़ी क्लियर है, गाड़ी निकल भी सकती है नहीं भी, तो लोगों ने क्लीन करके ढेर लगा दिए, सुबह से लोग साफ कर रहे हैं। और आज धूप भी निकली है, धूप से थोड़ी पिघलेगी भी और उतनी ही ज़्यादा ठंड होती जाएगी यहाँ पर। अभी थोड़ा सा मैं अजीत स्टोर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से थोड़ा सा सामान ले आते हैं, देखते हैं। ओह माय गॉड, देखने में सुंदर लग रहा है पर लाइफ उतनी ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग वाली होती है। और यहाँ पे जीतू आ गई है, चलो जीतू। ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा ना, पता नहीं, थोड़े दिनों में पता लगेगा कि ठंड कितनी होती है, अभी तो ताज़ी ताज़ी जब गिरती तब नहीं होती। अभी हम थोड़ी देर हुई ना बाहर आए, थोड़ा टाइम और रुकेंगे तो। रोड का क्या है, यहाँ कैसे चलेगी गाड़ी, देखो चल रही है लोग तब तक। तो ऐसे ही है लाइक स्नो में, देख लीजिए आप, जितना देखने में सुंदर लग रहा है उतने ही ज़्यादा यहाँ की लाइफ वेरी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, स्पेशली गाड़ियाँ वगैरह तो काफ़ी स्टक होती हैं। ये जो है थोड़ा सा मेन रोड है, तो मेन रोड में तो चलो ठीक है,
और ये देखो पीछे पार्किंग या जो पीछे स्ट्रीट का तो बहुत बुरा हाल हो गया था, और आई थिंक फर्स्ट टाइम था ये कुछ इतने सालों के बाद, तो जितना अच्छा देखने में लग रहा था और उतना ही। मोस्टली जो वैंकूवर के लोग हैं वो थोड़ा सा स्नो तो पसंद करते हैं यहाँ के लोग, जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि यहाँ स्नो कम पड़ती है। जैसे गाड़ियाँ जा रही हैं ना तो थोड़ी स्नो साइडों पे हो रही है। अभी मैं और जीतू थोड़ा सा ग्रोसरी शॉपिंग करने गए थे, ग्रोसरी ले आए। और जीतू आपका काम है आज 3 बजे? जैसे 3 बजे रहेगी जीतू बस में जाएगी आज, और मैं आधा घंटा पहले चला जाऊंगा जो रेगुलर टाइम हो, क्योंकि ताकि कोई प्रॉब्लम आएगी तो गाड़ी को रोड की साइड में रोक के वहाँ से बस ले लो या फिर पैदल चले जाओ, बट काम पे तो पहुँचना ही पड़ता, यही यहाँ की लाइफ है, इसी तरह से चलना पड़ता है। ज़्यादा स्नो की वजह से तो बिजनेस भी स्लो हो जाते हैं जीतू, है ना? बिजनेस स्लो हो जाते हैं यहाँ पर, और जब बिजनेस स्लो होते हैं तो आपके आवर भी कट हो जाते हैं, यहाँ पे आवरली वेज होती है, जब आवर्स कट होंगे आपके तो उतना पे चेक भी आपके आधे हो जाएंगे, है ना, बट आपके जो बिल है और बाकी सारी चीज़ें वो नहीं लाइक कम होती यहाँ से। इस समर में बनाया था कोविड के टाइम पे ना, हाँ, कि लोग बाहर आके जैसे स्ट्रीट में घूमते हुए जैसे बाहर भी खा सकते हैं कोई जैसे फास्ट फूड वगैरह। और देखो बेंच और टेबल्स का क्या हाल है, ओह माय गॉड लुक ब्यूटीफुल वैसे ना। ऊपर से गिर रही है। स्नो में ना गाड़ियाँ बहुत फंस रही है, स्नो में गाड़ियाँ बहुत फंस रही है, बिकॉज कर्व के साइड में तुम चला रहे हो तो वहाँ पे चांसेस स्टक होने के होते हैं। एक गाड़ी को तो मैं भी अभी धक्का लगा के आया। बहुत सारे लोग तो सावल से स्नो हटा रहे हैं, फ्री में हटा रहे हैं, इवन उनको कोई मतलब नहीं होता, उनके घर के पास भी नहीं होती, पर फिर भी वो रास्ते क्लियर कर रहे हैं, हेल्प बहुत करते हैं यहाँ पर, कुछ अच्छी चीजें भी है यहाँ पर। इवन मेरी गाड़ी स्टक हो गई थी परसों चौथ आई थिंक, तो 2-3 लोगों ने उन्होंने मेरी हेल्प की थी, हम भी लाइक अप हिल थी उसमें स्टक हो गई थी। हेल्पफुल है लोग यहाँ के। तो गाइज ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है मैं आ गया अपने काम पर और जीतू चली गई अपने काम पर। तो जाते जाते ब्लॉग खत्म करने से पहले मुझे लगा कि आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो अभी मैं वैंकूवर सॉरी यूबीसी की ओर जा रहा हूँ, तो रास्ते में जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था, इट वाज सो अमेजिंग, सो मुझे लगा कि कैप्चर किया जाए और आपसे भी शेयर करूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगा। सच में वैंकूवर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा, और स्पेशली जब विंटर हो और स्नो पड़ी हो और धूप लगी हो तब तो इसकी खूबसूरती लाइक कई गुना हो जाती है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, थैंक्स अ लॉट, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टेक केयर।